यस सर। हर्ष, ये क्लियर हुआ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन? हर्ष कुछ पढ़ना शुरू किया तुमने कि नहीं? कल करूंगा सर, संडे को। संडे को शुरू करेंगे? मुहूर्त देख रहा क्या? पंडित जी बुलाया है, मुहूर्त देख के संडे का मुहूर्त फिक्स कर रहा है। संडे का मुहूर्त देख रहा है ना? कै बजे का टाइम दिया पंडित जी ने? पूरे दिन का। चलो देखो, नेक्स्ट आते हैं सर्किट पर, बात करते हैं वीट स्टोन ब्रिज की। सर्किट सॉल्विंग का एक और मेथड, ठीक है ना? एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? और नेक्स्ट मेथड आपका है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, ये जो मेथड हम सर्किट सॉल्विंग मेथड बता रहे हैं, सीरीज पैरेलल व्हीट स्टोन ब्रिज, इधर देखो ये कौन कौन से चैप्टर आपके कवर करते हैं हमारे। एक तो ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है ना? दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दो। और तीसरा आपका कंडक्शन, 11th का चैप्टर है कंडक्शन, ठीक है ना? उसको भी कवर करता है। तो ये तीन चैप्टर सर्किट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है ना? आगे भी LCR सीरीज में इंडक्टेंस आएगा, उसको भी सॉल्व करेगा, लेकिन मेनली जो सर्किट प्रॉब्लम होती है आपकी, वो थ्री चैप्टर पूरे फिजिक्स से रिलेट होने लगी। मतलब एक चीज आप पढ़ोगे तो कैपेसिटर पढ़ लोगे, तो कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्शन, ये तीन चैप्टर इस सर्किट के प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इसमें दो टाइप के ब्रिज होते हैं। एक होता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, एक को कहते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना? और दूसरा होता है बच्चे अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना बच्चे? ये दो है ब्रिज में, इसमें एक ही नहीं है, इसमें दो है, बैलेंस और अनबैलेंस, ठीक है? अब इधर देखो बच्चे, बैलेंस जो व्हीट स्टोन ब्रिज है हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ पे जो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है बच्चे, इधर देखो, पहले ब्रिज समझते हैं फिर बैलेंस और अनबैलेंस समझते हैं। तो ब्रिज में एक कैपेसिटर ये लगा हुआ, एक इधर लगा हुआ है, ब्रिज बनाना है इसका, नीचे थोड़ा लगा हुआ है। इसमें फोर, ये देखो अलग अलग फोर ब्रांच है हमारे पास, और ये पॉइंट ए बी है, इसको थोड़ा ऊपर, ठीक है? अब इधर देखो, ए और बी दो पॉइंट है, इसका ये सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है, ये सी फोर है। अब यहाँ पे एक ये बैटरी लगी हुई है, और इस बैटरी से इनफ हमने दिया हुआ है। यहाँ देखो ए और बी से एक कैपेसिटर और कनेक्ट कर दिया हमने, सी फाइव जिसको कहते हैं, तो इसको ब्रिज कहते हैं। कि फोर का ये ब्रिज है, सी वन, सी टू, सी थ्री और सी फोर, ये चार का ब्रिज है, चार कैपेसिटर या फोर रेजिस्टेंस, जो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस की भी प्रॉब्लम है, कैपेसिटर की प्रॉब्लम है। एक जो है इस ब्रिज को सस्टेन करने के लिए, एक बीच में जैसे नहीं बीम डाल देते हैं इसको सस्टेन करने के लिए, वैसे ही सी फाइव लगा दिया। इतनी चीज क्लियर हुई? ऐसे सर्किट को देखो, बैटरी का टर्मिनल इससे सी फाइव से कनेक्टेड नहीं होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं कभी कभी, वो ऐसे करके लगा देता और उसको भी व्हीट स्टोन ब्रिज समझ लेते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन जब ही समझेंगे आप यहाँ पे, कि जो सी फाइव है उसका बैटरी का से कोई कनेक्शन नहीं, सी फाइव का कनेक्शन होगा कि जो ब्रिज बन रहा है उसके जो डायगोनल है, ये वाला बीच वाला डायगोनल,
एक डायगोनल तो देखो इधर बैटरी से कनेक्टेड है, और जो अदर डायगोनल होगा वो आपका इससे कनेक्टेड होगा C5 से। यहां तक समझ में आ रहा है राहुल? कि ये स्क्वायर टाइप का बन रहा है और इस स्क्वायर में दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल आपका किससे, बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, और जो अदर डायगोनल होगा वो C5 से कनेक्टेड होगा एक अदर कैपेसिटर से। इतना पार्ट क्लियर हुआ? हेलो राहुल, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? ये पार्ट क्लियर हुआ, व्हीट स्टोन ब्रिज? यस प्रिंस, समझ में आ गया। अब इसमें अब इसकी बात करेंगे बैलेंस और अनबैलेंस, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्रिज बनाया हमने बेसिकली क्या है, कैपेसिटर की चार्जिंग करनी है। आकाश क्या करना है, कैपेसिटर को चार्ज करना है, कैपेसिटर को एनर्जी, कैपेसिटर के इनसाइड एनर्जी स्टोर करानी है। बात समझ में आए? इसमें क्या करनी है, हमें कैपेसिटर में चार्ज प्रोवाइड करना है और एनर्जी स्टोर करनी है कैपेसिटर के इनसाइड। तो एनर्जी स्टोर के लिए सबसे पहले चार्ज फ्लो होना चाहिए। तो चार्ज फ्लो को देखो, कि जब ये बैटरी लगी हुई है यहाँ से, तो इस जंक्शन पे, इस जंक्शन को पी कह लो, इसको क्यू कह दो, तो पी जंक्शन पे ये चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्यू वन और क्यू टू में। क्यू चार्ज अगर बैटरी के थ्रू सप्लाई हो रहा है तो पी पॉइंट पे ये चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्यू वन और क्यू टू। ये प्लस हमारे पास, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। अब इधर देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये इन साइड वाली प्लेट है। कभी बच्चे समझने लगते हैं पूरी प्लेट पे, जब भी कैपेसिटर आप बनाते हैं तो कैपेसिटर में ये ध्यान रखिए, कभी कभी बच्चे पूरा प्लेट का चार्ज समझने लगते हैं। कैपेसिटर का मतलब चार्ज जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये प्लस इन साइड प्लेट और इसके माइनस इन साइड, इसके इस साइड वाले चार्ज से हमारा कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जो भी एनर्जी हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो इन दोनों की फील्ड कंसीडर करके करते हैं। राहुल क्या कह रहे हैं यहाँ पे, राहुल है कि चला गया? राहुल यस प्रेजेंट तो मुझे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि मोबाइल ऑन करके भाई इधर उधर तुम चले गए हो, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई तुम्हें, कि सबसे पहले चीज ये कि चार्ज जो आपने दिया हुआ क्या वो कंप्लीट प्लेट पे लाई करेगा या लाई नहीं करेगा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जो हम लोग कैपेसिटर में चार्ज का डिस्कशन करते हैं वो कौन सा चार्ज होता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है उससे कंसर्न है कि जो कैपेसिटर में इन साइड सरफेस पे जो चार्जेज होते हैं वो दोनों इक्वल इन मैग्नेट्यूड, अपोजिट इन नेचर के होते हैं, उसका ही मीनिंग है यहाँ पे, उसी का डिस्कशन है हमारे पास, ठीक है ना बच्चे। तो डिस्कशन ये इन साइड चार्जेस, तो जो भी प्लस माइनस आपको जब भी ऐसा बनाया जाए इसका मीनिंग है वो इन साइड चार्ज की डिस्कशन कर रहा है, क्लियर। अब यहां से देखो, इन साइड चार्ज हमारा डिस्कस हो रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की पहले ये सिचुएशन लेते हैं, कौन से हमने ले ली, बैलेंस वाले का। बैलेंस का मतलब होता है कि जो ए है और बी है इसके पोटेंशियल से, तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन के ब्रिज की कंडीशन है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। हमारे पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि इन दोनों के पोटेंशियल सेम होने चाहिए, इसको कहते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। मेरी बात समझ में आ रही हर्ष, कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कौन सा कंडीशन हो गया, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये हमारे पास होल्ड कर रहा है कौन सा, ये ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा
इससे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना, इससे कोई चार्ज आपका फ्लो नहीं करेगा बच्चे यहाँ पे। और जब इससे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा हर्ष, तो इसका कोई यूज है हमारे लिए? नहीं है, नहीं है, तो यूज नहीं है, तो इसको सर्किट से एलिमिनेट कर दो, ये कट कर दिया, कट कर दिया। तो देखो Q1 चार्ज हमारे पास इधर जा रहा है और ये Q1 यहाँ पे आ गया, क्योंकि इधर चार्ज कोई फ्लो ही नहीं करेगा, ये जंक्शन वैसे ठीक है ना, जंक्शन की तरह भी है भी नहीं कर रहा, ये चार्ज इस ब्रांच का सिर्फ इसमें चला जाएगा। तो देखो Q2 P से निकला, P से B में भी Q2 है, B से Q में भी Q2 है, और यहाँ देखो Q1 P से A में भी Q1 है और A से Q में भी Q1 है हमारे पास। तो इधर देखो यहाँ पे गिवन है हमको, क्या गिवन है, BA=BG, ये हमने सपोज कर लिया। अब कंडीशन निकालना है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस साइन लगा दिया, BA - BB लिख दिया, माइनस साइन के बाद इधर देखो दोनों पोटेंशियल BP बोथ साइड हमने ऐड कर दिया, ये कोई चेंज, पहले ये दोनों इक्वल है, इसको हम सपोज करके चले हैं यहाँ पे। और सपोज करने के बाद बच्चे यहाँ पे इधर देखो ये BA = BB, BP - BA, इसमें माइनस लगा दिया दोनों में और BP बोथ साइड ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई यहाँ पे। अब ये ऐड कर दिया तो यहां से देखो BP - BA पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया Q1/C1, दिस इक्वल टू BP - BB, तो ये हमारे पास हो गया Q2/C3, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना इक्वेशन एक। फर्स्ट इक्वेशन देखो यहां से क्लियर हो रही, एक इक्वेशन राइट करनी है हमारे पास, BA = BB, BP दोनों तरफ ऐड कर दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, Q1/C1 = Q2/C3, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। क्लियर फर्स्ट रिलेशन आपका। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट फिर से हमने क्या किया, BA = BB फिर से लिखा, इक्वल है पोटेंशियल, इसमें Q पॉइंट के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट किया, तो BA - BQ दिस इक्वल टू BB - BQ। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया तो BA - BQ हमारे पास देखो Q1/C2 दिस इक्वल टू ये Q2/C4, ये इक्वेशन सेकंड बन गया, क्योंकि यही चार्ज इससे फ्लो किया और ये वाला Q1 इससे फ्लो किया, तो दूसरा इक्वेशन ये। बोलो जल्दी से आकाश, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पे? यस सर। क्लियर, तो बस अब कुछ नहीं करना, देखो बैलेंस की कंडीशन निकल आई, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास यहाँ से आ गया रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को डिवाइड कर दो एक दूसरे में। तो देखो दोनों को रिलेशन को डिवाइड करोगे, यहाँ पे हम लिखते हैं Q1/C1, तो ये Q1/C1 डिवाइडेड बाई Q1/C2 दिस इक्वल टू Q2/C3 और ये आ जाएगा हमारे पास Q2/C4, Q2 कैंसिल, Q1 कैंसिल, ये C2/C1 This equal to C4/C3 और C1/C2 This equal to C3/C4। ये रिजल्ट समझ में आ गया तुमको कि C1/C2 C3/C4, मतलब मीनिंग ये हुआ कि अगर A और B के पोटेंशियल इक्वल हैं
तो ये तभी पॉसिबल है जब ये रेशियो इक्वल हो। क्या रेशियो? दिस बाय दिस रेशियो इक्वल टू दिस बाय दिस रेशियो। कैपेसिटर के ये रेशियो अगर इक्वल होंगे तो ए और बी के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे अपने आप। मतलब उल्टा बोलना शुरू कीजिए, बी ए और बी बी इक्वल लेके मैं चला और ये कंडीशन आपको प्रूफ कर दी यहाँ पे। इसके मतलब ये कंडीशन होल्ड करती है तो इसका रिवर्स में बी ए इक्वल टू बी बी होगा और ये सी फाइव निकाल के अलग कर दीजिए। अब सी फाइव निकाल के अलग कर दीजिए बच्चे यहाँ पे हमारे पास, तो सी फाइव मैंने अलग कर दिया यहाँ पे, तो फिर इस कंडीशन में क्या हो गया हमारे पास? इधर देखो ये दोनों के पोटेंशियल बीपी और बीए और बीपी और बीबी, ये सी वन और सी थ्री पैरेलल में है, सी टू सी फोर पैरेलल में है और इसके बाद एक ब्रांच सीरीज में। जब वीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन बन जाए तो यहां से ऐसे कर सकते हैं कि सी वन सी थ्री पैरेलल में, C2 C4 पैरेलल में और इसके बाद ये सीरीज में। या दूसरा मेथड ये भी सॉल्व कर सकते हैं कि C1 और C2 चार्ज सेम जा रहा है तो C1 C2 सीरीज में, C3 C4 सीरीज में, इसके बाद पैरेलल में। ये दोनों चीजें वैलिड हैं यहाँ पे। खुशी, ये दोनों ठीक है ना, कंडीशन वैलिड है, चाहे सीरीज से आप सॉल्व कर लो हाँ और चाहे पैरेलल से सॉल्व कर लो, लेकिन उल्टा मत कर देना। ये ध्यान रखना कि पैरेलल में देखो ये जो डिवाइड हो रहे हैं ये पास वाले C1 C3 पैरेलल, C2 C4 पैरेलल, और पैरेलल में इसलिए आसानी रहती है हम इस सर्किट को पैरेलल से सॉल्व क्यों करते हैं। रीजन ये बच्चे, क्योंकि अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बताए थे तो उसमें सम होता है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का सम कर लिया, इन दोनों का सम कर लिया, पैरेलल फिर सीरीज में कर दो, तो एक ही करना पड़ेगा सीरीज में वन बाय डिवाइड वाले में। और अगर सीरीज को पहले करते हो तो पहले फिर वन बाय डिवाइड करो, फिर डिवाइड करो, फिर रिवर्स करो, फिर दोनों को ऐड करो। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट को बढ़ाता है, लेकिन जहां पे आपको जो सही लगे, कोई कैलकुलेशन करनी है जो सुटेबल लगे उस पे अप्लाई कर दो, ठीक है ना? बोलो यहां तक बात समझ में आई? तो हम ये कंडीशन लिख देते हैं, पहले ये कंडीशन चेक करनी है कि ये वीट स्टोन ब्रिज बन रहा है और ये कंडीशन है बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज की। इसकी कंडीशन है बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज की और दिस कंडीशन इंप्लाई दैट, क्या इंप्लाई करते हैं, C1 एंड C3 आर इन पैरेलल, और यहां से देखो C2 एंड C4 आल्सो इन पैरेलल। ठीक है ना, इनका इक्विवेलेंट देखो, इसका इक्विवेलेंट हमारे पास C1 डैश आता है और ये C2 डैश आता है, देन C1 डैश एंड C2 डैश आर इन सीरीज, फिर हमारे पास ये सर्किट बन जाएगा और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और ये फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना? कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, इधर देखो C1 एंड C2 आर इन सीरीज, तो इन सीरीज हमने लिख दिया, C3 एंड C4 इन सीरीज लिख दिया। अब इसका इक्विवेलेंट ये मान लो C1 डबल डैश आता है, C2 डबल डैश आता है, तो यहां से देखो ये पैरेलल हमारे पास आ जाएगा, C कोवेलेंट इक्वल टू यहाँ पे C1 डबल डैश प्लस C2 डबल डैश। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से आप राइट कर सकते हो,
ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों में से जो सुइटेबल मेथड हो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुआ? कर लोगे? राहुल खुशी कर लेंगे सर। कर लेंगे तो एक प्रॉब्लम दे दे हम इस पे बेस्ड, अभी देख लो जहां पे कोई डाउट हो। ये बैलेंस अब यहीं पे हम थोड़ा सा इंडिकेशन चलो अनबैलेंस का कर देते हैं, क्योंकि अनबैलेंस का एक आधा क्वेश्चन कराएंगे कम आता है, बैलेंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो जब अनबैलेंस हो यहाँ पे अनबैलेंस वीट स्टोन ब्रिज ये कंडीशन दी हो तो देखो बी ए डज नॉट इक्वल टू बी बी, बी ए और बी बी कभी इक्वल नहीं होंगे, और इक्वल नहीं होंगे तो सी फाइव चार्ज इज आल्सो स्टोर्ड इन सी फाइव, फिर सी फाइव में भी चार्ज स्टोर्ड होगा, फिर हम देखेंगे केबीएल लगा के सिमेंटी लगा के बताएंगे आपको कि किस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग अनबैलेंस में सॉल्व करते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन है आपका जो यहाँ दिख रहा है मैक्सिमम पोर्शन वो बच्चे बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज का, समझ में? जितने भी तीन चैप्टर भी बताए वो सब बैलेंस के हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन बैलेंस पे पहले सॉल्व करते हैं इसको। देखो प्रॉब्लम हमारे पास, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये हमने वीट स्टोन ब्रिज बना लिया, सर्किट को सब लोग कॉपी कर लो। इधर देखो 2 माइक्रो फैरेड 4 माइक्रो फैरेड, ये 6 माइक्रो फैरेड और ये 12 माइक्रो फैरेड, और बीच वाला 3 माइक्रो फैरेड दिया हुआ है, और ये हमने बैटरी एक अप्लाई कर दी, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और बैटरी का वोल्टेज हमारे पास कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना? सपोज कर लो ये 12 वोल्ट। पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पार्ट आपका, इसमें पॉइंट क्या करना है, सी इक्विवेलेंट। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बच्चे बनता है यहाँ पे कि फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू 2 माइक्रो फैरेड, और थर्ड हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस 12 माइक्रो फैरेड। ये तीन क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, फॉर्म होते हैं हमारे पास, ठीक है ना? ये तीन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होते हैं। जल्दी से देखो, सबसे पहले सी इक्विवेलेंट बताओ बच्चे कितना आ रहा,
राहुल उसमें ये देख के बताओ हमको कि कौन कौन से आप पैरेलल में लोगे, कौन से सीरीज में, और इक्विवेलेंट राहुल कितना हुआ। जल्दी से बोलो। 16/3 है सर। 16/3 आकाश बता रहा है, 16/3 आ रहा है। चलो अभी हम चेक करते हैं। हर्ष बोलो। हर्ष हर्ष ऑडियो भी खराब है क्या? रुक के चल रहा है सर। अच्छा आवाज क्लियर है? क्लियर नहीं आएगी। नहीं तेरी तो आवाज क्लियर आ रही है मेरे पास। ये अभी चल गया सर। अभी से आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। अच्छा आकाश क्या कह रहा है राहुल? चल इधर देख के सी को बैलेंट हर्ष कितना हुआ, कौन से सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है कॉमन रेशियो। इसे सीवन मान लें तो 2/4, इधर देखो हमारे पास क्या रहा है, 2/4 दिस इक्वल टू 6/12, क्या ये रिलेशन सही है? 2/4 इक्वल टू 6/12 ये रिलेशन है करेक्ट राहुल की नहीं है? Yes, sir. अब ये रिलेशन करेक्ट है तो इधर देखो, नो चार्ज स्टोर्ड इन C5, स्टोर्ड इन C5, C5 कितना है 3 microfarad, इसमें कोई चार्ज आपका स्टोर्ड नहीं होगा, और इसमें कोई चार्ज अगर स्टोर्ड नहीं हो रहा है बच्चे यहाँ पे 3 microfarad में, तो देखो अब हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, 2 और 6 पैरेलल में, तो 2 + 6 C1 - मैंने मान लिया, 2 + 6 कितना हो गया 8 microfarad। इधर देखो 4 और 12 हो गया हमारे पास, कितना हो गया 16 microfarad। ये दो कंडीशन हमने निकाल ली यहाँ पे। अब इधर देखो ये दोनों फिर कैसे हो जाएंगे, अगर इसका इक्विवेलेंट हमने दिखाई भी हटा दिया तो ये सर्किट इन दोनों को देखो, ये जो पॉइंट था AB एक जगह हो गया क्योंकि सेम पोटेंशियल थे, तो इनको मैंने ऐसे ज्वाइन किया, तो इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट बन गया वो सर्किट देखो ऐसे अब सीरीज में आ गया। हाँ ऐसे ये बन गया हमारे पास, हमने उसकी ब्रांच को ही तार को खत्म कर दिया ये। अब ये हमने ऐसे सर्किट सॉल्व किया, ये आपका 2 microfarad था, ये 6 था और ये 4 था और ये आपका 12 था microfarad, और ये बैटरी लगी थी हमारे पास 12 वोल्ट की। अब यहां से देखो ये निकाल लिया, तो इसके बाद जो फाइनल सर्किट बन गया हमारे पास, फाइनल सर्किट ये जो कैपेसिटर है ये बन गया। अब फाइनल सर्किट हमारे पास ये 12 वोल्ट में ऐसे बन गया, ये कितना हो गया 8 microfarad, ये 16 microfarad और ये 12 वोल्ट की बैटरी। अब ये बन गया बच्चे, तो इसका इक्विवेलेंट इधर देखो 1/C = 1/8 + 1/16 आंसर हो गया, इंप्लाई दैट C = 16/3 आकाश करेक्ट है ना तुम्हारा, यही तो निकाला तुमने, ये गलत है सर। हाँ यही निकाला था ना। हाँ इसीलिए तो कह रहे हम कि ये 16/3 हमारे पास माइक्रोफैरड आ रहा, ठीक है ना, 16/3 microfarad हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बच्चे,
अब ये 16/3 इधर देखो, इसका सी को बैलेंड हो गया, इस पूरे सर्किट का 3 माइक्रोफेरेड हट गया। तो ऐसे इस तरीके से इसका कोई यूज नहीं, जब कभी सेम पोटेंशियल हो उनको ज्वाइन कर लीजिए। अगर यहाँ पे नाम देना है तो ए और बी दोनों पॉइंट एक ही जंक्शन पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। पहले दो पॉइंट बच्चे अलग अलग थे, अब दोनों एक ही जगह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं एक ही पॉइंट से, तो इनको एक ही नेमिंग कर। इस तरीके से आप कर लोगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, राहुल देख लो, फर्स्ट पार्ट ये क्लियर हुआ सी को बलेंड निकालने का। क्लियर राहुल, ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। अब इधर देखो, यहां से क्यू निकाल लो राहुल, इससे क्यू, ये सेकेंड पार्ट मैंने स्टार्ट किया, क्यू निकाल लिया हमने, हमारे पास क्यू कितना आ गया देखो, यहाँ पे क्यू इक्वल टू सी को बलेंट इंटू बी, सी को बलेंट 16/3 × 12, ठीक है ना, 64 हमारे पास माइक्रो कूलाम, ये हमारा चार्ज आ गया। सेकेंड वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, चार्ज निकाल लिया। अब हमें चार्ज देखो क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, सॉरी चार्ज फ्लो अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड, इसके अक्रॉस चार्ज चाहिए। तो देखो 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से टोटल चार्ज मैंने निकाल लिया, 2 वाले हमारे पास 2 का कॉम्बिनेशन, ये देखो बच्चा ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो इसके अक्रॉस अगर V1 का है पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे, तो बच्चे ये V1 इधर बोर्ड आ रहा है, हमारे पास V1 दिख रहा है, V1 समझ में आ रहा है बच्चे, V1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, Q/C हमारे पास हो गया ये V1, Q कितना गया था हमारे पास 64 by 8, कितना हो गया 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट इसके क्रॉस आ रहा, समझ में आ रहे, 8 वोल्ट इसके क्रॉस आ रहा, किसके क्रॉस आ रहा, 2 और 6 के क्रॉस, दोनों पैरेलल है तो दोनों के क्रॉस कितना आ रहा, 8 वोल्ट। तो अगर इसको चार्ज Q1 देते हैं तो Q1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा C1B का मतलब हो गया हमारे पास B1, C1 आपका है 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 × B1 8, बात समझ में, हेलो, तो 2 × 8 हमारे पास इधर जा रहा है, कितना हो गया 16 माइक्रो कूलाम, ये हमारा क्यूबन से जा रहा है, तो ये सेकेंड आंसर हो गया, क्यूबन निकल गया। बोलो क्यूबन समझ में आया, कि पहले हमने क्या काम किया, क्यू निकाल लिया, फिर हमने 2 और 6 जो लगे थे उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, और जब पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया तो 2 के क्रॉस भी इतना ही है, इसके क्रॉस भी इतना ही है, तो हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड पे चार्ज कितना हुआ हमारे पास, तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय सी। क्लियर, हेलो, कहाँ गए सब के सब भाई, वही यस नो में आंसर नहीं दे रहा। यस सर। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट मैंने पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 12, अब देखो 12 हमारे पास ये, तो 6 के क्रॉस 8 है, टोटल जो है 12 है, तो 8 इधर चला गया, तो इसमें कितना बच गया 4, क्योंकि इन दोनों का सम होगा, तो डायरेक्ट आंसर थर्ड वाले पार्ट का सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये V1 है, ये V1 है और ये V2 है हमारे पास, तो 12 इक्वल टू V1 + V2, ये 12, V1 8, V2 निकालना है, V2 इक्वल टू 4 वोल्ट, ये हमारे पास सर्किट बन गया।
ठीक है। तो चलिए यहां तक देख लीजिए, कल हम मिक्स करके आपको सर्किट के सब प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, एससीबी में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कल और आप करा दें तो आपको होमवर्क दे देंगे कैपेसिटर चैप्टर से, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चे, हेलो इतना ठीक है, क्लियर है बच्चे कि नहीं? हेलो राहुल, हो गया, कर लोगे ये पार्ट? ठीक है ना प्रिंस, तो यहां तक कर लेना, रिवाइज कर लेना, कल हम सर्किट के प्रॉब्लम करा गए, ठीक है ना, मतलब कल का मतलब मंडे को, तब तक आप थोड़ा बहुत इसको रिवाइज कर डालो, ठीक है ना। कुछ और सर्किट की प्रॉब्लम, एससीबी तो पूरी सॉल्व करनी है आपको इस चैप्टर की, ठीक है। चलो ओके।